हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी ये सुबह का टाइम है और आज मैं जल्दी से नहा के आ गई क्योंकि टाइम था, बच्चे सो रहे थे, तो मैंने सोचा चलो आज पहले नहा ही लेती हूँ। तो आज मैं खाने में बना रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें बन रही है वैसे तो, पर मैं आपको दिखाती हूँ। ये आलू जो बॉईल किए हैं मैंने, ये ओवन में किए हैं और बड़े ही अच्छे बॉईल होते हैं। जैसे कि आरवी को लंच में उसको पराठा बनाना है आलू का, तो मैं 2-3 आलू ऐसे ही बॉईल कर लेती हूँ, बहुत ही जल्दी हो जाते हैं। कोई 5 मिनट में ही ये आलू बॉईल हो जाते हैं और जल्दी से फटाफट से आलू का पराठा बनाओ या फिर जो भी बनाना है, सब्ज़ी भी बनानी है तो भी बन जाएगी। तो यहाँ मैं वैशू और आरवी के लिए ही पराठा बना रही हूँ। वैशू को बहुत पसंद है, आरवी को भी लंच में बहुत पसंद है, बट फिलहाल तो आरवी ना स्कूल नहीं जा रहा है क्योंकि आई फ्लू हो रखा है, आपको पता है इन्फेक्शन फैल रहा है बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से वो घर पर ही है। इसमें मैंने बहुत थोड़ी सी लाल मिर्ची ली है और लिया है नमक, दोनों के लिए अलग अलग निकाला है, वैशु के लिए अलग और आरवी के लिए अलग निकाला है। इसको एक मम्मी की मशीन चाहिए। फिर मम्मी की मशीन क्यों? लेकिन पहले टिश्यू पेपर लो, उसमें सब पैसा बन जाएगा। टिश्यू पेपर में? हाँ। इसको कौन सी मशीन चाहिए? देखो पहले, अच्छा नोट छापने की मशीन है। देखो एक टिश्यू पेपर लो, एक मशीन में घुसा टिश्यू पेपर, पैसा बन जाएगा। ठीक है, ऐसी मशीन आ रही है नोट बनाने की, पैसे छापने की मशीन। तो बोलो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। वराखी व्लॉगर में आप सभी का स्वागत है। तो मेरे यहाँ पे दोनों बच्चे उठ गए हैं, ये देखो। वैशु गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वैशु वेट कर रहे हैं इसके लिए दूध आए तो ये कुछ खेले। अरे गुच्छा आ गया वैशु, गुच्छा आ गया, गुच्छा भैया हट जाओ आप। Hello. मेरे सामने कैमरा आ गया, अब मैं कुछ नहीं बोल सकता। भैया हट जाओ प्लीज। वैसे सुबह सुबह उठा है, उसके भैया इतना प्यार कर रहे हैं कि उसको उसको अच्छा नहीं लग रहा है। नमाज कर दो। ऐसे क्यों? फिर ऐसे क्या? अभी यहाँ पे आरवी मेरे से ये ऐसे ऐसे करके घर आ रहा है, पता नहीं क्या ये नई नई चीज़ें लेके आता है। तो मैंने उसके साथ किया अभी, फिर बच्चे भी जग गए थे तो उनके साथ बैठी थोड़ी देर चाय वाय पी और फिर से मैं आ गई यहाँ पे किचन में। मॉर्निंग में तो आपको पता ही है कि ज़्यादातर काम किचन का होता है। मेरे बच्चे दोनों बहुत अच्छे, सच्ची में मैं काम करती हूँ तो वो परेशान नहीं करते। मतलब वैशु का ऐसा है कि वो टीवी देखता रहता है और आरवी भी कुछ ना कुछ खेलता रहता है क्योंकि आरवी को तो आदत हो गई। यहाँ पे वैशु फ्रेश हो रहा है तो मैं ये आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको हेल्पफुल हो सके थोड़ा बहुत। ये 8 महीने का था तब से मैंने इसको पॉट पे बिठा के फ्रेश होना सिखाया, तो अभी ये बैठ जाता है, मतलब बिना पकड़े। 8 महीने का बच्चा इतनी जल्दी से बैठ नहीं पाता ना, उसको पकड़ के बिठाना पड़ता है, तो तब से ये बैठ रहा है। और अभी और ये जो अच्छे से भी बच्चे फ्रेश हो रहे हैं, मैंने ख़रीदा भी नहीं, आरवी के टाइम का ही रखा हुआ है तो वही अच्छे से काम आ रहा है दोनों बच्चों के लिए, हो सकता है आगे भी काम आता रहे। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ हेयर सीरम जो कि स्ट्रिक्स का है। ये बहुत ही अच्छा हेयर सीरम है, आपको पता है मैंने स्मूथनिंग कराई थी बट उसका वीडियो नहीं बनाया, रखा है मेरे पास, मैं जल्दी ही शेयर कराऊंगी कि मैंने किस तरीके से कराई थी स्मूथनिंग। तो तभी से मैं इस हेयर सीरम को यूज़ कर रही हूँ, ये काफ़ी अच्छा है, इसके बालों को मॉइस्चराइज रखता है और काफ़ी हेल्पफुल रहता है, हेयर फॉल भी नहीं रहता। इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि अगर जैसे ही आप बाल धो के आ रहे हो तो हल्के गीले बालों में इसको यूज़ करना होता है, थोड़े से 3-4 ड्रॉप लो। इसकी पंपिंग है इसमें ना, पंप करने के लिए है, तो उसको हाथ में निकालो और दोनों साइड से बालों को आधे इधर करो आधे इधर करो, दोनों तरफ से निकालने के बाद इसको पंप करके सीरम लगा लो। पूरे टाइम आपको जैसा आपको अपने बाल चाहिए वैसे रहेंगे और काफ़ी शाइनी हो जाते हैं, ड्राई हेयर नहीं रहते। और स्मूथनिंग के बाद तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं मेरे बालों को बहुत खूबसूरत बनाने में। तो ये देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ना। स्मूथनिंग के बाद से ही मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, तो अगर आपको कोई हेयर सीरम चाहिए तो मैं इसे ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि आप ये लेना, चाहे आपने स्मूथनिंग कराई है तो भी आप हेयर सीरम अपने बालों में लगा सकते हैं, नहीं कराई है तो भी लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे। एडिट मतलब मेकअप है ना, तो ये बिस्किट का एक शूट है उसमें दुखना है। ये कह रहे एक्टिंग करनी है, थूकना नहीं है, थोड़ा सा थूक हल्का सा
थोड़ा सा इतना अरे यार मेरे बाल कैसे लग रहे हैं? चम्मच से लग रहे हैं, देखो मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ आज। तो तभी तो वायरल होंगे हम। चलो आ जाओ और क्या लेना। कैसे करना है? कैसे करना है दोबारा बताओ। ऐसे करना है, आ रही बता रहा है। चलो ठीक है। देखो वैशु कहाँ लटका पड़ा है। वैशु 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 गिर जाओगे बेटे, नीचे आ जाओ, आ जाओ नीचे, गिरोगे नहीं, आ जाओ मेरे बच्चे, आ जाओ आ जाओ। अरे ये तो गई और ही चले गए भाई, क्या चाहिए वाइपर। और अभी हो गई है शाम, वैशु यहाँ पे लटका हुआ है। मैं यहाँ पे किचन में खाना बनाती हूँ ना, रेनू होती है तो वो संभाल लेती है, या फिर अंदर पापा जी होते हैं तो संभाल लेते हैं, पापा जी नहीं है तो मैं यहाँ खाना बनाती हूँ। सामने यहाँ पे टका हुआ देखते रहते हैं बाहर की तरफ, फिर मैं भी ध्यान रखती हूँ क्योंकि इधर से सीधे नज़र जाती है तो मैं उसको देखती रहती हूँ। और अभी बन रही है यहाँ पे दाल, थोड़ी सी दाल बनेगी इसलिए मैंने ये इसमें भगोने में बनाने रखी हैं, और साथ में मैं तड़का तैयार कर रही हूँ। शाम का टाइम है, सुबह दोपहर हमने वीडियोस बनाने के बाद बच्चों को सुला वुला दिया था, मैंने तो ज़्यादा कुछ नहीं था इसलिए मैंने व्लॉगिंग नहीं की। तो अभी ना शाम को अरबी के पत्ते मतलब पतोरे की सब्जी बनाऊंगी मैं, उसकी रेसिपी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। पहले ये खाना बना लेते, उसके बाद बच्चों को सुलाने उलाने के बाद बनाऊँगी क्योंकि वो खाई जाएगी फिर सुबह को, बहुत टाइम लगता है उसमें सच्ची में। तो इसलिए अभी तो मैं बनाने की नहीं सोच रही हूँ क्योंकि बच्चों को भी रखना है, रेनू होती है तो बहुत हेल्प हो जाती है, वो सुबह ही चली गई है। आई मिस यू रेनू। तो सच्ची में वो होती है तो बहुत 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 अच्छा लगता है। हम शाम हो या सुबह को काम कर रहे हो, किचन में धुआं तो हर बात करते हैं, बचपन की, स्कूल की, कॉलेज की। और अभी ना यहाँ पे टाइम हो गया है, मतलब मैंने डिनर बना दिया था, सब लोगों ने खा लिया, और अभी मैं बच्चों को खिला रही हूँ, यहाँ वैशु को बिठा के खिला रही हूँ, साथ में आरवी भी है। जैसे कि आपको पता है ना कि मैंने पहले तो सब्ज़ी के बारे में बताया कि अरबी के पत्ते की सब्ज़ी बनाऊँगी, बट वो मैंने कैंसिल कर दी क्योंकि इतना टाइम नहीं था और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। मैंने सोचा चलो आज कैंसिल करते हैं फिर किसी दिन बनाते हैं। और यहाँ पे रात का टाइम है तो मैं अभी जो मेरे रात की रूटीन होता है ना किचन क्लीन करने का, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। साथ में आई फ्लू हो रखा है तो इसलिए आरवी को ना मैं स्कूल भी नहीं भेज रही हूँ। कई दिन हो गए उसको, 4-5 दिन हो गए तब से मैंने उसे स्कूल नहीं भेजा है, क्योंकि अगर एक को भी हो गया ना घर में तो फिर वैशु बहुत छोटा है, उसको नहीं होना चाहिए, तो उसकी वजह से हमने उसकी एकेडमी से भी छुट्टी करा रखी है और साथ में स्कूल भी नहीं भेज रहे हैं। बट सोच रही हूँ कि ना अभी भेज दें। और अभी क्या हुआ कि यहाँ पलवल में ना, आपको जैसे कि पता है, अब काफ़ी जगह न्यूज़ में भी आ रखा है कि लड़ाई हो गई है, हिंदू मुस्लिम वाली जो लड़ाई चल रही है वो हो गई, तो काफ़ी जगह पर दंगे फसाद हुए पड़े हैं, गाड़ियाँ जला दी हैं, और मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे बुरा हाल हो रखा है। तो हम लोग तो घर से बाहर भी नहीं निकल रहे, इसी वजह से आर्विक के स्कूल की छुट्टी हो गई, यहाँ जितने भी स्कूल हैं सबकी छुट्टी हो रखी है, तो वो फ़िलहाल घर पर है और पता नहीं ये कब तक चलेगा। आपको भी इसके बारे में कुछ पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, और आप कहाँ से हो मेरी वीडियो देख रहे हो वो भी कमेंट में ज़रूर बताना। बाहर हम लोग तो ज़्यादा निकल ही रहे ना इसकी वजह से, तो अभी देखते हैं। और ये रात का रूटीन है, मैंने किचन अपना पूरा क्लीन कर दिया, क्लीन करके सोते हैं तो मॉर्निंग में जब उठते हैं ना एकदम फ्रेश फ्रेश किचन मिलता है, तो उससे बढ़िया कोई भी बात नहीं लगती सच में बताऊँ मेरे को तो सच में। और अभी यहाँ पे दूध गर्म करना था, वही रह गया है तो वही कर रही हूँ। साथ में रेनू होती है तो बहुत हेल्प हो जाती है, ये इधर उधर के काम वो संभाल लेती है अगर मैं किचन में होती हूँ, या फिर मैं वो किचन में होती है तो मैं ये सारे काम कर देती हूँ। तो रात में ही मैंने ये कपड़ों की तह लगा कर रख दी थी ताकि सुबह को उठ के ये कपड़े ना मिले मुझे, क्योंकि सुबह को ना बहुत जल्दी हो जाता, मेरे से काम फैला के नहीं रखा जाता सच बताऊँ तो, जितना हो सकता है मैं समेट के सारा काम कर लेती हूँ कि कल करूँगी कल करूँगी, कल के लिए मेरे से नहीं रखा जाता। सुबह उठती तो ये मुझे कपड़े यहाँ पे मिलते, इसलिए मैंने अभी इनकी तह लगा के और इनको रखना
अच्छा अच्छा समझा। और वैशु को मैंने अभी तक सुला दिया, टाइम हो रहा है 9:15 का टाइम हो रहा है और आरवी सोता है लगभग 10 बजे के लगभग, तो वो अभी यहीं पे ना टीवी देख रहा है, मैं भी साथ में टीवी ही देख रही हूँ उसके, टीवी देखते जा रही हूँ, कपड़ों की तह लगा रही हूँ। तो आज का व्लॉग यही था, बस उम्मीद करते हैं कि ये जो लड़ाई छिड़ी हुई है यहाँ पे वो जल्दी से ख़त्म हो जाए। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हो कमेंट में ज़रूर बताना। तो मेरे अभी अपने व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय बाय एंड टेक केयर।